नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चलो दोस्तों स्वागत है। दोस्तों क्या आप लोग भी अपने WhatsApp पे सिंगल टिक को इनेबल करना चाहते हैं? दोस्तों जैसे आपका कोई WhatsApp पे मैसेज करे उसके पास डबल टिक ना शो करे, सिर्फ सिंगल टिक शो करे, आप ज़्यादातर WhatsApp पे ऑफलाइन दिखना चाहते हैं तो इसे कैसे कर सकते हैं चलिए बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए WhatsApp ओपन कर लेते हैं। यहाँ WhatsApp पे क्लिक करते हैं। दोस्तों WhatsApp ओपन हो गया, हम सोचा WhatsApp सर्च को हम सोचा 3 डॉट और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चैट स्टेटस कॉल हम सोचा और यहाँ पे सभी की चैट शो करें, सभी के ग्रुप शो करें। दोस्तों जैसे मैं ये वाले अपने देखिए दूसरा वाले नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मैसेज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ मैसेज करता हूँ हेलो, जैसे मैं यहाँ पे देखें मैसेज कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें डबल टिक शो हो गया है। दोस्तों जैसे आप चाहते हैं मेरे पास इस तरह कोई मैसेज करे तो उसके पास सिर्फ सिंगल टिक शो करे तो इसे कैसे इनेबल करना वो बता देता हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है, फिर हमें यहाँ सेटिंग्स पर चलना है। यहाँ सेटिंग ओपन हो गया है, सेटिंग ऑप्शन शो करा, सर्च सेटिंग ऑप्शन, वाईफाई, ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, अदर नेटवर्क ऑप्शन शो करा और स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन शो करा एप्लीकेशन एंड परमिशंस, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एप्लीकेशन एंड परमिशन में ऐप मैनेजर, परमिशन मैनेजमेंट, ऐप क्लोन, सिस्टम मैप सेटिंग ऑप्शन शो करा, हमें ऐप मैनेजर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप मैनेजर में आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल की सभी एप्लीकेशन शो कर रही हैं और यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ देखिए व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप ओपन हो गया है। यह ऑप्शन सो रहा फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल और यहाँ देखिए इंटरनल स्टोरेज, डाटा, नोटिफिकेशन, परमिशन, ये ऑप्शन सो रहा। दोस्तों हमें यहाँ डाटा वाले पे क्लिक करना है और यहाँ डाटा में आप लोग देख सकते हैं ये देखिए डाटा ऑन है, डाटा नेटवर्क, वाईफाई। दोस्तों जैसे आप लोग चाहते हैं कोई आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करे सिर्फ उसके पास सिंगल टिक शो करे, डिलीवर मैसेज ना शो करे तो आपको यहाँ देखिए डाटा नेटवर्क को ऑफ कर देना है और वाईफाई को भी देखिए ऑफ कर देना है। फिर यहाँ से बैक आ जाते हैं, फिर चलिए व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों फिर देखिए व्हाट्सएप ओपन हो गया है, यहाँ वो वाली चैट को हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए टाइप ए मैसेज, यहाँ पे देखिए टाइप करता हूँ हेलो और यहाँ सेंड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंगल टिक शो करा है, यहाँ देखिए डबल टिक नहीं शो करा है, देखिए मैसेज डिलीवर का ऑप्शन नहीं शो करा है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल का नेटवर्क ऑफ है कि ऑन, यहाँ देखिए नेटवर्क भी ऑन है। दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में सिंगल टिक को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप बाद में इसे सही करना चाहते हैं, डबल टिक को इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बैक आना है, फिर यहाँ सेटिंग्स पर जाना है, फिर आपको सेटिंग्स में देखिए एप्लीकेशन एंड परमिशन यहाँ पे क्लिक करना है और ऐप मैनेजर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ देखिए व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ देखिए डाटा वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए दोनों को ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ से बैक आ जाते हैं, फिर चलिए व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे देखिए कुछ सेंड करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे हेलो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ डबल टिक शो होने लगा है। दोस्तों इसी तरह आप लोग भी अपने व्हाट्सएप में सिर्फ सिंगल टिक को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर पिला दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।